यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, देखिए प्याज मिर्चा जो ऐड किए, और ये सोयाबीन भी ऐड कर देंगे। सोयाबीन खिचड़ी किसको किसको पसंद है बताइएगा। चोखा का रेडी रखे सारा कुछ, सिर्फ चिटकना है तो बहुत टेस्टी लगता है। और खिचड़ी बन गया यहाँ पे, ये रहा देखिए खिचड़ी, सोयाबीन खिचड़ी। Hey guys, welcome back to my channel. आप सब कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम रेडी सेडी होके फटाफट खाना बना रहे हैं, मार्केट गए तो मार्केट से आ गए और अभी ब्लॉग स्टार्ट किया और अभी हम खाना बना रहे फटाफट, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे है मटकी फोड़। बहुत दिन मतलब जन्माष्टमी पार हो गए, बहुत दिन हो गया है। ये देखिए मेरी राधा रानी एक आई है, इतनी प्यारी लग रही है, मेरी सबसे बड़ी बेटी है। देखिए आज आप लोगों को दिखा रहे मेरी सबसे बड़ी बेटी को, देखिए कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी है। तो हम बाद में बताएंगे मेरी बड़ी बेटी के बारे में। तो अभी चलो बात करते हैं, जाओ बेटा उधर रहो, प्यू को हम रेडी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी फटाफट खाना बना रहे हैं और उधर भाई लोगों सारा कुछ रेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट ईयर हुआ था तो वो तो मतलब उतना अच्छा से नहीं हुआ था जैसा हुआ था, तो वो आप लोग शायद देखे ब्लॉग में, लेकिन इस बार बहुत मस्त कर रहा है तो आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो चलो फटाफट खाना बना ले रहे हैं। इधर चावल चढ़ाए हैं, इधर चावल चढ़ाए हैं और इधर ना बैंगन बरबट्टी टम फिर आपका आलू सारा सब्जी मिक्स करके एक सब्जी कर देंगे, दाल कर देंगे और कुछ नहीं है फिलहाल करना है, क्योंकि हमको मटकी फोड़ के वहाँ जाना है, थोड़ा डांस उन्स करना है, एंजॉय करना है। तो चलिए हम खाना फटाफट बना लेते हैं फिर आप सबसे मिलते हैं। उधर मनीषा भी रेडी हो रही है और एक हमारी महारानी आई है तो उससे भी आप लोगों को मिलाएंगे। तो पहले हम फटाफट खाना कम्प्लीट कर लेते हैं, चलिए। सो फाइनली मेरा खाना बन चुका है, सारा कंप्लीट है, चावल उबल हो गया, सब्जी थोड़ा सा बाकी, पानी डाले तो टपक रहा हो जाएगा, गैस बंद कर देंगे। और हमारी राधा रानी रेडी हुई है तो वो उसका पूरा लुक हम दिखाते हैं। और रजनी दीदी आई, जीजा भी आए हैं और सिमल रानी मनीष मैं सब आए, घर के पूरा फैमिली आया है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। और हमारी राधा रानी को आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए। हाँ बेटा चलो 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 जाए, चलो 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 जाएंगे। ये रही हमारी राधा रानी, मेरा वो हमारी जान आई है, अभी जस्ट आई बैठी है। और ये रही हमारी राधा रानी, इसका चली गई है, भाग गई है, कहाँ भाग गई है। यहाँ पे दो दो जीजा जी, कोई भी कृष्णा नहीं बना, आप बन जाइए, ये जीजा जी बन जाइए, का है तुम बन जाओ, हम कृष्णा बनेंगे तेरे लिए, बन ओ मेरे लिए बनेंगे, वाओ मेरे लिए कृष्णा बनेंगे। इतनी प्यारी लग रही है, नजर ना लगे, चलिए चलो चलते हम लोग, चलिए रजनी दी चलिए ना, देखेंगे बहुत मजा आएगा, चलिए चलिए उठिए जल्दी उठिए, चलिए चलते हम लोग। तो हम लोग पहुँच गए मटकी फोड़ में और मटकी फोड़ स्टार्ट भी हो गई है। मेरे भाई तभी से फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहा हो आओ, हम इतना लेट से गए और स्टार्ट हो गया है। और अभी स्टार्ट मतलब क्या है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, हम लोग पहुँचे और पहला हो चुका है, बच्चे लोग गिर गए हैं। और अभी दूसरा होगा ना, उसमें वो मेरी दीदी का बेटा, वो जो आप लोगों को दिख रहा होगा, कैसे बताएंगे आप लोगों को, जो मटकी फोड़ेगा वो दीदी का बेटा है, वही मटकी फोड़ेगा, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा पूरा। छोड़ दे।
मटकी फोड़ तो खत्म हो चुका था, उसके बाद ऊपर में जो केला है, एप्पल, फिर बहुत सारा मतलब चिप्स, कुरकुरे, फिर फ्रूटी बहुत सारा टंगा हुआ था, तो वो सब लूटमार के लिए सब इतना मतलब इंजॉय कर रहे थे ना, जिसको मतलब जहाँ मिल रहा था वहाँ से चढ़ चढ़ के सब ले उतार रहे थे। तो अभी सुबह वही कंटिन्यू मेरा जो रेगुलर चलता है मतलब किचन का काम, तो अभी सुबह ब्रेकफास्ट बन रहा है, पोहा बन रहा है चूड़ा का पोहा बनेगा ब्रेकफास्ट में, और लंच क्या बनेगा पता नहीं, देखते हैं लंच क्या बनेगा। सोच रहे खिचड़ी बनाएंगे लंच में, खिचड़ी आलू चोखा पापड़, तो खिचड़ी के लिए चावल है बट दाल नहीं है, मूंग दाल, तो अभी जाएंगे हम दाल लेके आएंगे, दाल लाना और क्या कुछ लाना है, वो कुछ लेके आएंगे मार्केट जाके। तो अभी तो दोनों सारा जीजा सिमल ये मेरे बाबू जी मतलब मेरे हस्बैंड वो दोनों जा रहे हैं अभी बाल कटवाने के लिए, तो आने के में टाइम लगेगा, तो सोच रहे हमें अकेले जाएंगे या फिर आने को लेकर हम चल जाएंगे। अब मनीषा भी पूरा घर का काम कर रही है, हम उसको बोले, आप लोग बोलते हैं मनीषा को काम नहीं कराते, तो हम उसको बोलेंगे तो झाड़ू पोछा करो, किचन में काम अपना कर ले रहे हैं, तो उसको अभी झाड़ू पोछा कर दिया, इधर हम नाश्ता बना रहे हैं, तो हमारा नाश्ता बन जाएगा, उसके बाद फिर लंच बनेगा। इतना सारा है पोहा, पता नहीं होगा कि हो जाएगा, कल मटकी फोड़ तो बहुत दिन लेके बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, थोड़ा थोड़ा जो मतलब मेन बड़ा वाला हंडी फोड़ा था ना वो वाला तो ब्लॉग हम कर ही नहीं पाए, क्योंकि हम अगर इतना मतलब डांस हो रहा था ना वो मगर में भूल गए, तो कोई नहीं, सब कैसा हो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को कैसा लगा बताइए हमारे यहाँ का मटकी फोड़। तो चलिए नाश्ता वास्ता कम्प्लीट करके फिर आप सबसे मिलते हैं, आप लोग ऐसे ब्लॉग में बने रहिए। ये पोहा हमारा बन चुका है, और पोहा मतलब बनाते साथ हम बांटना स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए ख़त्म हो गया है, देख सकते हो थोड़ा सा बचा है, तो ये राहुल को देंगे, और ये रहा इसके लिए रख दिए, सिमल के लिए तो बाल काटने गया है, और बाकी सबको दे दिए, सिर्फ हमारा रानी रह गया, तो हम लोग चावल फ्राई करेंगे, चावल फ्राई खाएंगे, तो चलिए हम लोग सबको दे दिए, सब बैठ के खा रहे हैं, चलो सब खा लो बच्चे, चंडे मंडे सब खा रहे हैं, चलो हम लोग चावल फ्राई खा लेंगे ना, ओके कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, कोई गल नहीं। चलो हम चावल फ्राई फटाफट कर लेते हैं। नानी मेरी कितना प्यार करती है ना? हाँ बहुत प्यार करती नानी आपसे। ऐसे खाएगी? अरे क्यों बूंदिया खाएगी पीहू? कल उसकी नानी ला दी थी, इतना जो उसको भूख लग रहा, सुबह नाश्ता की लेकिन थोड़ा सा खाई, पोहा खाई नहीं। और यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, देखिए प्याज मिर्चा जो ऐड किए, और ये सोयाबीन भी ऐड कर देंगे, सोयाबीन वहाँ रखा हुआ था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, बनाएंगे बोल रहे थे बट भूले जाते थे हम, तो आज हम सोचे कि इसमें खिचड़ी में सोयाबीन ऐड कर देते, इसी में ये सोयाबीन एक पैकेट है इसमें ऐड कर देते, फ्राई हो जाएगा, बन जाएगा सोयाबीन खिचड़ी। इधर देखिए सोयाबीन खिचड़ी किसको किसको पसंद है बताइएगा, और कैसे बनती है वो बताइएगा, हमको जैसा आता है हम फिलहाल वैसे ही बना रहे हैं, और आप लोग कैसे बनाते हो वो बताइए कमेंट करके। कुछ नहीं खाया ना, तुम तो कुछ बोलता नहीं है जीजा को, अपने से सब चीज करेगा तो क्या होगा, भाषण नहीं दो क्या? भाषण ही देंगे तुमको, तुमको भाषण अच्छा लगता है, आप बोर्ड में खड़ा हो जाएंगे, आपको बोर्ड में ले लेगा तो हम बोर्ड में खड़ा हो जाएंगे। अब इसमें हल्दी और नमक ऐड कर देंगे और छोड़ देंगे, फिर उसके बाद मतलब बीच बीच में देखते रहना होगा, हमारा खिचड़ी फिर रेडी है।
माय गॉड, हम तो नमक लाने ही भूल गए। यू नमक है, नमक है, हम भूल गए थे। हम छोटा डब्बा में रखते ना नमक, इसमें था नहीं है, हमको लगा नमक नहीं है, और हम नमक लेने के लिए दुकान गए थे और नमक नहीं लेके आए कि उल्टा उल्टा जो तो लेके आ गए उठा के। नमक ऐड कर दिए, हल्दी ऐड कर देते इसमें जो है हल्दी लेना। हम एक बार जब एक बार जो राशन ले लेते ना मेरा, हम इतना हिसाब से चलाते ना, मेरा कम से कम 2-3 महीना चलता है, और अभी 2-3 महीना तो हो गया है, फिर राशन खत्म होने आ गया, फिर राशन हमको लेना होगा। हल्दी हम कहाँ रख दिए हैं इतने? खाइए 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 ना, आप खाइए ना, हल्दी आप खा लीजिए, खाइए ना। को पानी ऐड कर देंगे इसमें, थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसके बाद में पानी ऐड कर देंगे। सोयाबीन कैसे ऊपर सोयाबीन देखिए ना कैसे ऊपर में आ गया है। गैस में फ्राई तो हो चुका है, अब इसको इसमें ऐड चढ़ा दें। अब वो छोड़ देते हैं, वो होते रहेगा अपना, इधर हम आलू चढ़ा देते, आलू चोखा करेंगे। इधर खिचड़ी अपना हो रहा है और हम जा रहे पहले, और कुछ कुछ काम मेरे रूम में पूरा कपड़ा फेंका हुआ है, रानी को फोल्ड करने बोले बैठ के कर दी, हम भी साथ साथ वो कर देते हैं। सो फाइनली हमारा खाना बन चुका है। यहाँ पे पापड़ सेक रहे हैं, मतलब जला रहे पापड़, तेल में छाका हुआ पापड़ अच्छा लगता है, बट आज शनिवार है ना, तो इसीलिए जला के पापड़ खाएंगे, ये भी बहुत टेस्टी लगता है जला के खाने से। और ये आलू चोखा का रेडी रखे सारा कुछ, सिर्फ चिटकना है, तो देखते हैं किसी को बोलेगा चिटकने के लिए, हम नहीं चिटकेंगे क्योंकि इतना सारा मिर्चा, अब चिटक देंगे तुम। बाबू का हाथ का टमाटर का चटनी बहुत टेस्टी लगता है, और खिचड़ी बन गया यहाँ पे, ये रहा देखिए खिचड़ी, सोयाबीन खिचड़ी, यहाँ पापड़ भी हो गया हमारा। अरे चलो खाना खाने बैठो सब, तू सबसे पहले पापड़ एक एक मिलेगा, ठीक है, चोखा लेकिन नहीं हुआ, चोखा कर दी, बाद में जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। चलिए फ्रेंड चोखा कर देते हैं और खाना निकाल देते हैं लोगों का, फिर हम नहाने जाते हैं और ब्लॉग को फिर यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग कैसा लगा हो तो बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिए कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ, बाय बाय, लव यू।